तो ये देखो प्यारे बच्चों ये एक बेसिक सा सवाल है और ये थियोरी बेस्ड सवाल है मतलब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चल रही है तो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर प्रॉपर्टी आएगा तभी इसको कर पाओगे बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर अटेंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम एट द सेम प्लेस सेम टाइम ये बिल्कुल सही है ये प्रॉपर्टी है द तो एनर्जी इन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जो एनर्जी होती है और या इंटेंसिटी होती है एनर्जी या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी डेंसिटी और इंटेंसिटी उन दोनों की बराबर होती है बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेक्टर पैरेलल टू अदर ये बात बिल्कुल गलत है ठीक है ना डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव गिवेन बाई पॉइंटिंग वैक्टर इज इक्वल टू ई क्रॉस बी ठीक है ना ई क्रॉस बी अगर तुम देखोगे तो जो एस है परपेंडिकुलर टू ई एंड परपेंडिकुलर टू बी ठीक है ना तो जो एस है वो ई e यस yes, ये जो होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो ये सही नहीं है दिस वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन बिल्कुल सही है मीडियम की ज़रूरत नहीं है इसको चलने के लिए तो सी ऑप्शन इसमें से सही है दिस इज द करेक्ट क्योंकि गलत पूछा था ना तो गलत यहाँ सही है